हेलो फ्रेंड्स, साबूदाना उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए रात भर भिगोया हुआ साबूदाना, एक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर कटा हुआ, एक गाजर कटा हुआ, दो हरी मिर्च, अदरक, जीरा, गरम मसाला, नमक और रिफाइंड ऑयल। इसे बनाने के लिए तेल गरम कर लें। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तो जीरा और प्याज डालकर उसे भून लें। जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो उसमें कटे हुए अदरक और हरी मिर्च डालकर उसे अच्छी तरह से भून लें। फिर कटे हुए गाजर को उसमें डालें और तेल में भूनें। गाजर जल्दी पकने के लिए उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लें और उसे भून लें। फिर उसमें कटे हुए टमाटर और उसे भूनते रहें। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो आंच धीमी करें और उसे कुछ सेकंड के लिए ढक लें ताकि हमारा गाजर अच्छी तरह से पक जाए। फिर हमें उसमें गरम मसाला डाल के उसे भून लेना है। फिर भिगोया हुआ साबूदाना उसमें डालें और उसे अच्छी तरह से मिला लें। साबूदाना अच्छी तरह से पके साबूदाना को अच्छी तरह से मिलाने के बाद गैस धीमी कर लें और ढककर उसे 2-3 सेकंड के लिए पकने दें और बीच बीच में उसे मिलाते रहें। साबूदाना धीरे धीरे सफ़ेद से क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखने लगेगा। जब सारे साबूदाना सफ़ेद से क्रिस्टल क्लियर जैसे बन जाए तब आप समझ जाओ कि आपका साबूदाना उपमा तैयार है। अब आप उसको प्लेट में सर्व करें और उसे इंजॉय करें। साबूदाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए साबूदाना बहुत अच्छा होता है। थैंक यू।